अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज बाय ईमान। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन क्रेप्स। बहुत ही आसान बट डिलीशियस रेसिपी है। अब अफतारी में बनाएं और रोल समोसों की छुट्टी करवाएं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले बोनलेस चिकन लें, उसे इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में आप कटिंग कर लें। फिर थोड़ा सा ऑयल लें 2 टेबल स्पून, और उसमें चिकन को ऐड करें और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करें। बस जैसे ही इसका कलर चेंज हो, इस तरह से ये देखें वाइट कलर हो पूरे चिकन का, तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका 1 टीस्पून, तिक्का बोटी मसाला 1 टेबल स्पून। तिक्का बोटी मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैप्सिकम ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा कलर आए। आप यहाँ पर और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दही को ऐड करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे, साथ ही कोयले को गर्म करके थोड़ा सा स्मोक देंगे। अब हम होममेड लिक्विड शीट्स के लिए डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, इसको छान लें पहले, और इसमें 2 खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे। 2 अंडे शामिल करें, 1-1 करके अंडा शामिल करें। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करें, 1/2 कप दूध ऐड करें, ऑयल 1/4 कप ऐड करें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपने इसे मिक्सिंग के दौरान आपको जितनी भी ज़रूरत होगी आपने दूध ऐड करना है, और इसे इस तरह से देखें फ्लूइड सा आपने इसका बैटर रेडी कर लेना है। इस तरह चम्मच के साथ आप चेक कर सकते हैं, देखें कितनी थिन इसकी लेयर है। 1 फ्राई पैन को ऑयल से ब्रश करें और उसमें 1/2 कप बैटर ऐड करें, और उसे इस तरह गोल गोल घुमा कर आप फैला लें इस तरह से। जैसे ही इसकी एक साइड कुक होगी, यहाँ पर ये देखें किनारों से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप इसे पलट दें, दोनों साइड पर जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए तो हम इसे उतार लेंगे, आपकी शीट रेडी हो जाएगी। देखें इस तरह से। तो इसी तरह से आप सारी शीट्स को रेडी कर लें। अगर आपको बैटर कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पर ग्लू रेडी करेंगे, थोड़ा सा मैदा और पानी लेकर उसे मिक्स करेंगे और एक लई सी बना लेंगे। अब चिकन क्रेप बनाने के लिए शीट को लें। अब चाहें तो पहले पूरी शीट पर केचप लगा लें और फिर फिलिंग को रखें। इस तरह से फोल्ड कर आप ग्लू लगाएं और इसे क्लोज कर लें। ठीक है, शीट को रखें। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके चीज़ चिकन क्रेप बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप सारे क्रेप्स को बना लें, और फिर एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लें 3 टेबल स्पून, और इन्हें लो फ्लेम पर कुक करें। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं मज़े की वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इनको खूबसूरत सा कलर दे दें दोनों साइड पर। ये देखें जब प्यारा सा कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो हमारे मज़ेदार चिकन क्रेप रेडी हैं। आप इन्हें रमज़ान में बनाएं, आप ईद पर बनाएं, कोई भी इवेंट है आप इस पर बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना डिलीशियस इसकी लुक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।